देखते रहते हैं और ये मजार में भी यहाँ लोगों को भोजन कराना, पेशेंट पार्टी को, और साथ ही साथ कंबल वितरण करना हर साल करते हैं। तो इस साल भी हमारे सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे मजार कमेटी की ओर से ये कंबल वितरण लोगों में किया जा रहा है और हमारे 71 नंबर वार्ड के आदरणीय दर्जी बबलू सिंह जी उपस्थित है और हमारे मजार के बाबा जी भी है, बैचू भाई हैं और ये सभी की उपस्थिति में हम लोग आज ये कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ दो शब्द हम लोग को थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए हमारे अध्यक्ष साहब कुछ कहे। बबलूदा, आज ये सैयद बाबा के मजार पे जो कंबल वितरण का आयोजन किया गया, इसके लिए जो सदस्य लोग ने किया है उसको सभी को हम लोग अभिनंदन जनाते हैं। ऐसा प्रोग्राम हर एक साल इसी तरीके का होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ जो गरीब आदमी है, दुष्ट आदमी है, उन लोग ये ठंडा के टाइम में ये कंबल मिलकर आप लोगों को हमेशा दुआ करें। सबसे पहले तो मैं इस मजार कमेटी और सभी सदस्य हमारे श्याम मल्लिक जी, बबलूदा और देशू भाई सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में मिलजुल के हमेशा ही SSKM हॉस्पिटल में नेक कार्य करते रहते हैं। और आज जो ये कंबल वितरण हो रहा है, हमारे हरदिल अजीज जनाब गुलाम अशरफ साहब, जो कि जब से विंटर आया है तब से हर एक इलाके में ये काम को अंजाम दे रहे हैं, आज भी उनके तरफ से हमारे मजार कमेटी के सहयोग से ये काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। हमारे श्याम मल्लिक जी जो कि बढ़ चढ़ के पूरे कोलकाता में ही हम लोगों के साथ में कदम से कदम मिला के नेक काम को अंजाम देते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सब जितने भी सुनने वाले हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जारी है, उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि खिदमत खल सोशल वर्क, आप ऊंच नीच जात पात ये सब ना देखते हुए जहाँ जिस पल जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे पूरी करने की कोशिश करें ताकि ये काम अंजाम हो। आमीन। बाबा जी कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम लोगों ने अपने सोलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम टीम मौजूद है। शाम से ही कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे अजीज अजीज जनाब गुलाम अशरफ साहब की जानिब से होने ग्रुप की तरफ से जगह जगह पे मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम करके कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। SSKM हॉस्पिटल में भी प्रोग्राम एक किया, वहाँ के जो पेशेंट पार्टी उन लोगों को भी कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी हम लोग चांदनी प्लानेट ये सब के जगह पे जो स्लम्स लोग रहते हैं उन लोगों के पास जा जा करके कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्त SSKM हॉस्पिटल, जिसे हम PG हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर फोनेज ग्रुप और सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो बहुत ही नेक काम है। सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इससे पहले भी बहुत सारे सामाजिक काम होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन के मौके पर लोगों को राशन पहुँचाने का काम हो, या ब्लैंकेट देने का काम हो, या PG हॉस्पिटल में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का काम हो, ये तमाम काम सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी जानिब से बखूबी करती आ रही है। आज का ये भी प्रोग्राम, ये ब्लैंकेट तकसीम करने का जो प्रोग्राम था, ये बहुत ही कामयाबी से गुजरा, बहुत कामयाब रहा। जैसे कि शुएब आलम वारसी साहब, जो कि सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि इस्लाम इंसानियत का खिदमत करना बताता है, यानी इंसानियत का खिदमत करना ये बहुत सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है। अब इंसान में चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब का खिदमत करना एक सवाब का काम है। लिहाजा इसी मकसद के तहत सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट शुएब आलम वारसी साहब ने ये काम किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ दो लफ्ज़ बोले। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ अहमद खान साहब का, जो कि हमारे बड़े हर पल हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के पूरे सोरे टीम के साथ में खिदमत खल्क में लगे रहते हैं। और बस एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक इंसानियत की खिदमत की बात आए, तो आप सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपको देख के कुछ और लोग इसमें जुड़े। शुक्रिया।